नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पिछले 3 वर्ष पूर्व रायडी प्रखंड पीवो पंचायत अंतर्गत मर्दा के बाघ लाता गांव में मूसलाधार वर्षा हुई थी, जिसके कारण पहाड़ से वर्षा का पानी तेज धारा में बहता हुआ आया, जिसके बाद बाघ लाता गांव में पक्की सड़क को बहा ले गया। उसके बाद सड़क खोंडर में तब्दील हो गया। इससे 3 घरों के आदिवासी परिवारों के सदस्यों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मोटरसाइकिल, टेम्पो, सवारी गाड़ी और एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रहा है। साधन रहते हुए पैदल जाना पड़ रहा है। जहां सड़क टूट गई है, वहां पर सड़क ढालू नुमा है और खाई दिखाई नहीं पड़ती है। तेज गति से चलने वाले बाइक सवार जब तक समझ पाते, तब तक दुर्घटना हो जाती है। कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इसलिए ग्रामवासियों ने खाई के पास अधिक मात्रा में सूखी लकड़ियां एकत्रित कर अवरोधक बना दिया है, जिससे दुर्घटना को टाला जा सके। पूर्व मुखिया असिल बिरियूस मेंच, बिरसा खड़िया, विनोद खड़िया, मुन्ना खड़िया, प्रतिमा मेंच, ललिता देवी ने बताया कि इसकी सूचना प्रखंड प्रशासन को दी गई है, फिर भी इसका समाधान के लिए कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने गुमला के उपायुक्त महोदय से टूटे सड़क पर बरसात से पहले एक नया छोटा पुलिया का निर्माण की मांग किए हैं, जिससे वर्षा का पानी जो पहाड़ से तीव्र गति से सड़क को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी सतह की ओर जा सके। यहाँ हम लोग के बगलता में पहाड़ के पानी से पिछले 2 वर्ष से मतलब पुल नहीं रहने के कारण, ज़्यादा बारिश के कारण मिट्टी का कटा होकर पुल बह गया, रास्ता बहुत ख़राब हो गया। यह हम लोग का पुल का बहुत ही आवश्यकता है, चाहे कि हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। 2 वर्ष से हम लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं ग्रामीण लोग कि प्रशासन से इसको जल्दी हम लोग का पुलिया एक दे दें। और हमारे हाल ही हालत की ज़्यादा पानी बरखा से रोड के काट दिलक, तो उकर ले हमरे के थोड़ा सा ये कुछ पुल कर व्यवस्था चाहिए। यहाँ रोड खराब हो गया है, इसलिए हम यहाँ एक पुल मंगवाने की कर रहे हैं, इसलिए हम उसके वजह से गाड़ी भी आ नहीं पा रहा है, इसलिए हम उसके लिए हम एक पुल मंगवाना चाहते हैं।